लैंड स्कैम मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने चौथी बार समन भेजा है। जानकारी के मुताबिक 23 सितंबर को सीएम को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। ईडी ने समन में कहा है कि जमीन घोटाला मामले में आपसे पूछताछ की जरूरत है, इसलिए आप 23 तारीख को हाजिर हो। अब यह तो समय ही तय करेगा कि वह जाएंगे या नहीं, क्योंकि कल ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में सीएम हेमंत, ईडी सहित पूरे राज्य के लोगों को कल का बेसब्री से इंतजार है। गौरतलब है कि जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पहली बार 14 अगस्त को एजेंसी के दफ्तर आने के लिए सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा गया था, लेकिन सीएम हेमंत ने एक भारी भरकम पत्र लिखकर जाने से साफ मना कर दिया था। सीएम ने पत्र के जरिए वक्त की मांग नहीं की थी, बल्कि पत्र में कानून की शरण में जाने की बात कही गई थी। इसके बाद 24 अगस्त को ईडी ने दोबारा समन किया था। उस दिन भर मुख्यमंत्री का इंतजार किया गया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे थे, बल्कि उन्होंने एक चिट्ठी ईडी ऑफिस भिजवा दिया था कि वह समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। अब कोर्ट का जो फैसला होगा उसके अनुसार ही वे अगला कदम उठाएंगे। इसके बाद फिर से 9 सितंबर को उनको पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया, लेकिन उस दिन वह राष्ट्रपति के डिनर में शामिल होने के लिए दिल्ली चले गए थे और एक शख्स को ईडी दफ्तर भेजकर सूचना पहुंचवा दिया था। बता दें कि हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट की शरण में चले गए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 15 सितंबर को सुनवाई होनी भी थी, लेकिन उनके वकील की तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 18 सितंबर यानी कल है। मालूम हो कि जमीन घोटाला मामले को लेकर ईडी के समन के खिलाफ सीएम ने रिट पिटीशन किया है, जिसमें ईडी के अधिकार को सीएम ने चुनौती दी है। याचिका में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय और ईडी को प्रतिवादी बनाया गया है। वहीं ईडी के वकील मुकेश कुमार मरौरी ने कैवियट फाइल कर दिया है। हेमंत सोरेन ने बीते 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट की चौखट में पहुंचे सीएम हेमंत की ओर से ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि ईडी को पूछताछ के दौरान किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है, इसलिए पूछताछ के लिए जारी किए गए समन के मद्देनजर हमेशा गिरफ्तारी का डर बना रहता है। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर किया गया है उसमें उन्होंने पीएमएलए की धारा 50 और 63 को चुनौती दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में ईडी द्वारा उन्हें समन कर बुलाए जाने को गलत बताया। ईडी ने जब पहली बार सीएम को इस मामले में समन भेजा था तब उन्होंने कहा था कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, केंद्र के इशारे पर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ईडी से आग्रह किया था कि वह अपना समन वापस ले ले। उन्होंने कहा था कि अगर ईडी ने नोटिस वापस नहीं लिया तो वह कानूनी रास्ता अपनाएंगे। ईडी ने समन वापस लेने के बजाय एक और समन उन्हें जारी कर दिया था। मालूम हो कि झारखंड में अवैध खनन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। बीते साल 17 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का सामना कर चुके हैं। उस दिन उनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ चली थी। हालांकि राज्य सरकार द्वारा लगातार एजेंसी पर राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया जाता रहा है, साथ ही राजनीतिक टूल की तरह एजेंसी के इस्तेमाल की बात हमेशा से कही जाती रही है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.